तो हेलो दोस्तों वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काजी रेजिडी थॉरम एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करना सीखेंगे तो इससे पहले तुमने यदि पिछले वीडियो में रेजिड्यू निकालना नहीं सीखा है तो पहले वो वीडियो जाके देखो देन इस वीडियो पे आओ ठीक है तो शुरू करने से पहले मैं अपना इंटरेस्ट दे दे दूँ तो मै सर गोपाल गोयल आई एम गर्डली वर्किंग एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर एंड आई हैव डन एम फ्रॉम आई बॉम्बे तो फिर शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तो पहले एक थ्योरम है विच इज कॉजी रेजिड्यू थ्योरम अभी थ्योरम क्या कहती है वो देखते हैं यदि मान लो तुम्हारा कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन एबसेट है वो सिंगल वैल्यूड है एंड एनालिटिक है इनसाइड क्लोज कर्व सी ओके Accept uh, except a finite number of singularity. Accept a finite number of singularity. Finite number of singularity points within C. सी दे जो हमारा इंटीग्रेशन होगा एट दिस क्लोज करो सी एफ जेड डी जेड इक्व टू टू पाई आयोटा देन सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ पोल्स सम ऑफ रेजिड्यूज

एफ जेड डी जेड अब तुम तो यहाँ से यदि एफ जेड निकालोगे तो एक पोल के लिए क्या आएगा टू बाई आईओटा इन टू बी ये होगा एफ जेड डी जेड तो यहीं से आया कि जो समीशन होगा रेजिड्यूज का वो होगा एंटीग्रेशन के बराबर और देखो एक्चुअल में इसको ये जो काज रेड्यूज थ्योरम है वो कैसे आती है वो देखते हैं एक बार हम ऊपर से देखेंगे क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ही मेन है तो मान लो ये हमारा एक कोई सर्किल है जिसकी रेडियस है आर ये हटा देता हूँ इसके सेंटर पे एक रेजिड्यू पॉइंट सिंगुलर पॉइंट है ना तो ये पॉइंट है जेड इक्व टू ए तो अब इसका जो होल इंटीग्रेशन होगा ना इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इन दिस कर्व सी वन प्लस हाँ तो इस कर का जो इंटीग्रेशन होगा ना एक्सेप्ट दिस सिंगुलर पॉइंट वो जीरो के बराबर होगा तो देखो अब इसका क्या मतलब है अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंगुलर पॉइंट हटाने के लिए एक नया डायग्राम बनाते हैं उस नया डायग्राम में क्या करते हैं कि ये तो हमारा रहेगा ही सर्किल यहां तक हमारा सर्किल रहेगा है ना देन अपन क्या करेंगे यहां से एक नैरो लाइन खींचेंगे एंड यहां पे एक सर्कल और बनाएंगे तो ये होगा हमारा मान लो ये हो गया हमारा सी वन ये हो गया सी वन ये हो गया सी टू एंड ये वाले भी इंटीग्रेशन पॉइंट होंगे इनको हम ए और बी मान लेते हैं तो ए और बी की डायरेक्शन अपोजिट है ए इक्वस टू माइनस होगा तो ये कट जाएंगे तो टर्म कौन कौन सी बचेंगी एक तो बचेगा वन का, का इंटीग्रेशन एक बचेगा सी टू का, का इंटीग्रेशन तो जो हमको निकालना क्या है सीवन का एफ जेड डी जेड निकालना एट सी वन प्लस एफ जेड डी जेड एट सी टू टू जीरो होगा अब सी वन सी टू की डायरेक्शन डिफरेंट है तो यहाँ पे माइनस लगा दो अब क्या करो अपन कि जो हमारा एफ जेड डी जेड आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी टू एफ जेड डी जेड अब ये क्या होगा ये बी वन होगा टू पाई टन टू बी वन ये वाला पॉइंट क्योंकि ये सिंगुलर पॉइंट ही तो है जिसके जिसके अराउंड हमने एक छोटा सर्कल माना है तो इसलिए टू बाइन टू बी वन होगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा इन एनी रीजन इन एनी रीजन और एनी डोमेन विच इज टू पाई आयोटा इन टू समिशन ऑफ ऑल रेजिड्यूज तो ये हो जाएगा हमारा एक तरीके से प्रूफ और अंडरस्टैंडिंग की कैसे आता है बट इसको समझने की ज़रूरत नहीं है तुम तो बस फॉर्मूले याद रखो और क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए तो वही हम सीखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ओके तो क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं मतलब तुमको बुलाया है वैल्यूएट द इंटीग्रल दे इंटीग्रल दिया है सी वन और सी वट एवर इट इज फोर माइनस थ्री जेड डिवाइड बाई जेड जेड माइनस वन एंड जेड माइनस थ्री अब बोला है वेयर मोड जेड इज लेकिन टू थ्री बाय टू अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो हमारा डोमेन होगा डोमेन होगा वो उसका रेडियस होगा थ्री बाय टू एक सर्किल होगा इसका, जिसका रेडियस होगा थ्री बाय टू तो इमेजनरी एक्सिस पे इमेजनरी एक्सिस पे भी थ्री बाई टू एंड रियल एक्सिस पे भी थ्री बाई टू अब कोई भी पॉइंट यदि थ्री बाई टू पे बाहर है तो उसका रेजिड्यू जीरो होगा जैसे कि मान लो देखो इसका एक पोल है जेड इक्वस टू जीरो पे एक पोल है जेड इक्व टू वन पे एक पोल है जेड इक्व टू थ्री पे तो अब इसका जो रेडियस थ्री बाई टू है लेकिन एक पोल थ्री पे है थ्री वल पोल कहाँ पे होगा uh, यहाँ पे कहीं ये तो होगा थ्री वाला पॉइंट तो इस वाले पॉइंट का रेजिड्यू ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आउटसाइड द डोमेन है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे दो ही पोल के लिए रेजिड्यू निकालेंगे और उनका सबमिशन करेंगे जीरो वन के लिए तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं तीन वाले को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि ये रेडियस से बाहर है जो सर्कल से बाहर है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा अब रेजिड्यू निकालते हैं जेड कस टू ज़ीरो के लिए सिंपल है सिंपल पोल है तो क्या करेंगे जेड माइनस जीरो का मल्टीप्लीकेशन एंड टू एफ जेड फोर माइनस थ्री जेड अपॉन जेड जेड माइनस वन जेड माइनस थ्री अब पूरे में तुम रख दो जेड की एलो जीरो पहले काटो अब रखो फोर अपॉन माइनस वन इंटू माइनस थ्री तो होगा फोर अपॉन थ्री पहला रेजिटिव तो ये आया अब दूसरा रेजिटिव एफ जेड इक्व टू वन के लिए तो यहाँ पे जेड माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन करो देन फोर माइनस थ्री जेड अपॉन जेड जेड माइनस वन जेड माइनस थ्री अब इसमें रख दो जेड कीजिएगा वन से कटेगा तो क्या कहेगा फोर माइनस थ्री वन अपॉन वन इन टू माइनस टू तो क्या माइनस वन अपॉन टू ठीक है ये दो रेजिड दो रेजिड आएंगे तीसरा रेजिड नहीं निकालेंगे क्योंकि सर्कल से बाहर है तो अपन लगाते हैं कॉज़ी रेजिड थ्योरम तो वो किफ जेड डी जेड इक्वस टू टू पाई आयोटा इन टू समन ऑफ ऑल द रेजिटिव तो पहला रेजिटी क्या है फोर बाई थ्री दूसरी रेजिटी है माइनस वन अपॉन टू तो ये क्या आ जाएगा सिक्स uh, एल्सियम ले लो और इसको सॉल्व करो तो आएगा फाइव पाई आयोटा डिवाइड बाई थ्री तो ये होगा आंसर आयो पे क्लियर होगा काफी सिंपल क्वेश्चन था एकदम बेसिक ठीक है अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो एक बार देख लो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन पोल्स निकालना है और काम निकाल लगानी है उससे निकालने से पहले हमने को यह भी ध्यान रखना है कि रेडियस क्या है पोल जो है उस रेडियस के अंदर होने चाहिए. Okay. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो में है ये इन निकालना है इू दी पावर टू जेड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय जेड माइनस वन की पावर फाइव डी जेड तो ये हमारा इंटीग्रेशन बुलाए मॉट जेड लेस देन जीरो नॉट लेस देन जीरो इक्व टू टू ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता तो अब सॉल्यूशन करते हैं अब रेडियस है वन की लेकिन हमारा पोल क्या है फिफ्थ ऑर्डर का पोल है और पोल का जो पॉइंट है वो है जेड इक्व टू वन तो अब क्या करेंगे सेम uh, पहले रेजिड्यू निकालो अब हमको पता है कि रेजिल्यू क्या होगा इसका वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल विच इज़ फोर फैक्टोरियल देन डी फोर अपॉन डी जेड की पावर फोर अब जेड माइनस वन टू दी पावर एन का मल्टीप्लीकेशन करो इन टू एफ जेड इट दू जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन की पावर फाइव इससे कटेगा अब इस पूरे में रखेंगे हम जेड की जगह दो वन अरे तो वन अपॉन ट्वेंटी फोर देन अब इसको फोर टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा टू टू दाव पावर फोर इन टू ई टू दावर टू जेड जेड स्क्वायर का जीरो हो जाएगा Then, हम इसमें रखेंगे अब जेड की जगह वन तो आएगा सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फोर इन टू ई टू दावर ई टू बेसिकली तो बीस फोर बाई फाइव आएगा फोर बाई फाइव ई स्क्वायर अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एफ जेड डी जेड इक्व टू टू पाई आईओटा सम्मिशन ऑफ तो फोर बाई फाइव स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे सिक्स आएगा ठीक है तो फोर बाई सिक्स करते हैं तो आंसर आएगा फोर पाई आईओटा बाई थ्री ई स्क्वायर तो योगा आंसर मल्टीपल पोल वाला क्वेश्चन भी हो गया मतलब सिंगल पोल बट एन एथ वाला क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो तुम यदि रेजिल्यू निकालना सीख गए तो ये इंटीग्रेशन तो हो जाएगा तो चलो एक, एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं कैसे करना है तरीके मतलब ये है जेड क्यू डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस फाइव जेड प्लस सिक्स डी सेड और अपना जेड जो है वो डिफाइन है टू मॉट जेड माइनस फाइव इक्व टू टू अब तुमको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है जो हमारा सर्किल होगा उसकी रेडियस क्या होगी मॉट जेड होगा फाइव बाई टू के तो जो हमारा सर्किल आएगा वो होगा जिसकी रेडियस होगी फाइव बाई टू तो बस अब जेड स्क्वायर माइनस फाइव जेड प्लस सिक्स को क्या लिख सकते हो तुम जेड माइनस थ्री जेड माइनस थ्री इंटू जेड माइनस टू लिख सकते हो तो बस अब दो पोल आए थ्री और टू थ्री वाले को लेना नहीं है टू वाले को लेना है तो सिंपल बोल के रेजिट्यू निकालो एंड टू पटो सम्यू कर दो तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम तो ये वाला तुम ट्राई करो हम अगला करते हैं अगला क्वेश्चन कुछ, अगला है अच्छा मान लो तुमको कोई फंक्शन दे रखा है जो कि एनालिटिक है जैसे कि मान लो जेड टू पावर एट ये निकालना है एट क्लोज कंट्रोल सी अब तुमको इस वाले फंक्शन में जेड टू पावर एट में कोई पोल तो है नहीं कोई सिंगुलैरिटी तो है नहीं तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसका इंटीग्रेशन सिंपली हम कर देंगे ज़ीरो के बराबर जब कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो इंटीग्रेशन कुछ होगा ही नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जब जैमें एक नंबर में के okay. देन हम करते हैं आगे तो मतलब ये वाले क्वेश्चन तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे करना है यदि कुछ भी हो कैसे पोल हो मल्टीपल ऑर्डर का हो सिंगल ऑर्डर का हो इनफिनिट वाला हो तो ये तुम कर सकते हो ओनली रेसिड्यू निकालना आना चाहिए मेन हो जाएगा देन अपन करते हैं चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पावर जेड साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड अब इसमें बोला है कि जो हमारा सर्किल है वो है जेड माइनस टू इक्व टू वन तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो इसको करेंगे हम कैसे देखो यदि तुम इसका डायग्राम बनाओ तो जेड माइनस टू इक्व टू वन का कैसे बनेगा जेड माइनस टू का मतलब है टू तो सेंटर है एंड रेडियस है वन तो ये कुछ ऐसे बनेगा ये जो है रेडियस वन है और इसका सेंटर है टू पे अब जो नीचे जेड स्क्वायर है मतलब जेड की वैल्यू जीरो है पोल और ऑर्डर है टू तो अब जेड की वैल्यू जीरो तो यहाँ पे है तो ये तो सर्किल के बाहर है तो सिंपली हम बोलेंगे कि ये पोल कोई काम का नहीं है तो डायरेक्ट टीरो इंटीग्रेशन करो तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा डी जेड वो हो जाएगा जीरो के बराबर तो समझे आंसर लगा दो जीरो okay. तो हो गया चलो अभी तुम समझ गए इंटीगेशन कैसे करना है रेज निकालना है टू आटा में सबीशन कर देना है चलो ठीक है अभी हम क्वेश्चन देखते हैं ठीक तो दे है तो मान लो तुमको क्वेश्चन दे रखा है अपन बेसिक एक फार्मूला टाइप भी ड्राइव कर लेते हैं उसके बेस पे तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो तुमको इंटीग्रेशन दिया जीरो से टू पाई में डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये है हमारा इज लेस देन बी ग्रेटर बी एंड ग्रेटर जीरो तो इसको सॉल्यूशन करना है लिमिट है जीरो तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए तुम क्या करो जेड बराबर मानो ई टू द पावर आयोटा डीटा ये तुम याद कर लो जेड को माना तुमको ई टू दावर आयोटा टीटा डी जेड तुम्हारा होगा आयोटा इ टू द पावर टीटा डी थीटा तो यहां से हमारा जो डी थीटा होगा वो होगा डी जेड अपॉन आयोटा इ टू द पावर टीटा तो हमारा डी थीटा यहां से हो जाएगा डी जेड डिवाइड बाई आयोटा जेड ओके तो ये हो जाएगा हमारा डी थीटा मान लो तुम्हारा कॉस थीटा है या साइन डीटा है तो कॉस थीटा क्या होता है ईटवार आयोटा टीटा इधवार माइनस आयोटा टीटा अपॉन्ट टू तो इसको तुम चेंज कर दो जेड प्लस वन अपॉन जेड अपॉन टू है ना ऐसी मान लो इस वाले क्वेश्चन साइन नहीं है बट मान लो हो साइन ठीटा तो उसको कैसे करोगे वन अपॉइंट टू आयोटा जेड माइनस वन जेड ये हो जाएगा सिंपल सी बात है तो अब इन सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दो हमारे इंटीग्रेशन में तो देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई डी टीटा की जगह डी जेड अपॉन आयोटा जेड डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस ईटा की जगह क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टू जेड ठीक है हम यहाँ से लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू जेड तो इसको सॉल्व करो तो ये हमारा बनेगा जीरो से टू पाई देन अब ये मैंने नीचे से एलसीएम लेके ऊपर जेड भेज दिया तो ऊपर बचेगा टू डी जेड डिवाइड बाई आयोटा देन यहाँ पे बचेगा बी जेड स्क्वायर प्लस टू 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 ए जेड आएगा एक टू ए जेड प्लस बी तो ये बचा हमारा सिंपल इक्वेशन uh, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करो वही कि पोल्स uh, निकालो अभी तुम सिंपल जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है सिंगुलर पॉइंट निकालो देन सिंगल पॉइंट निकालने के बाद रेजिड्यूज uh, का सम करो तो निकालो सिंगल uh, पोल्स तो पोल होंगे इसके मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट माइनस ए प्लस माइनस अंडरवूड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स चार हम कॉमन लेंगे नीचे से दो कट जाएगा तो डिवाइड बाई कर देते हैं अपन बी माइनस बी टू स्क्वायर माइनस फोर एस ई माइनस फोर एस तो बी स्क्वायर है ना तो प्लस माइनस में दो वैल्यू आ जाएंगी तो एक तो आई प्लस में और एक आएगी माइनस में माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन बी तो दोनों वैल्यू आ गई अभी हम क्या करेंगे कि निकालेंगे, है ना? तो अब यहां पे है कि अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा पॉइंट सर्किल के अंदर है कौन सा पॉइंट सर्किल के बाहर है तो यह वाला भी पॉइंट है तो देखो तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे जैसे हमको कंडीशन दे रखी है ए देन देन बी जीरो तो तो देखो आ, द, हमारे पास दो पॉइंट हो गए एक होगा जेड इक्व टू अल्फा एक होगा जेड इक्व टू बीटा जो कि हमने ऊपर निकाल लिए हैं देन अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक और कंडीशन ए इज देन बी इज जीरो तो मान लो तुम्हारे पास जो सर्किल है वो यूनिट सर्किल है अब सर्किल की रेडियस कुछ भी हो सकती है लेकिन हम अभी एज्यूम करते हैं कि हमारे पास सर्किल जो है यूनिट सर्किल है तो जो हमारा अल्फा होगा वो क्या होगा अल्फा विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आ, वन ठीक है मतलब देखो अल्फा सॉरी मैंने गलत बोल दिया अल्फा ऑलवेज लेस देन वन एंड बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटर देन माइनस वन हम कह सकते हैं मतलब माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी हो सकता है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको ठीक है तो क्योंकि हमारा देखो ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है जीरो से तो यदि ए बड़ा होगा बी से तो ये वाली वैल्यू क्या होगी जीरो और वन के बीच में आएगी नेगेटिव में नेगेटिव में तो तुम कुछ ऐड करोगे तो जीरो से वन के बीच में ही रहेगा एंड बीटा को तुम देखोगे तो बीटा माइनस ए अपॉन बी करोगे तो वन से कुछ बड़ी वैल्यू आएगी अब वन से बड़ी वैल्यू में तो तुम कुछ घटाओगे तो माइनस वन से बड़ा आएगा मतलब माइनस टू माइनस थ्री कुछ ऐसा आएगा तो ये वाला जो है हमारा अल्फा वही लाई करेगा इन साइड द यूनिट सर्कल तो अल्फा ही हमारा सिंपल पोल होगा इसलिए ओनली अल्फा का ही पोल लेंगे अपन तो ओनली हम रेज्यू निकालेंगे अल्फा के लिए एफ जेड इक्व टू अल्फा तो यहाँ पे अपन आएगा अपना आएगा जेड माइनस अल्फा अपॉन यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हैं टू अपॉन आयोटा चलिए आगे ले लेते पूरा टू अपॉन आयोटा जेड माइनस अल्फा एंड जेड माइनस बीटा तो टू माइनस अल्फा से ये कट गया तो ऐड टू अपॉन आयोटा जेड माइनस बीटा ये बचेगा तो तो क्या होगा टू अपॉन आयोटा जेड माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जेड की वैल्यू हम इसमें अपने को रिप्लेस करनी है अल्फा तो ये हो जाएगा ए ए बाई कट जाएगा तो हमारा बचेगा सिंपली टू बाई बी इंटू बी अपॉन टू अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपल क्योंकि तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा ए बाई बी ए बाई की भी कट जाएगा इन दोनों को नेगेटिव करोगे जेड माइनस बीटा है ना तो ये नीचे क्या बचेगा नीचे अल्फा माइनस बीटा है तो बचेगा अब ये तुम करोगे तो बचेगा टू अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र अपॉन बी तो बस टू से टू कट जाएगा तो ये आएगा वन अपॉन आयोटा अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा टू पाई आयोटा इन रेजिड्यू रेजिडियो ओनली ए की है जो कि है वन अपॉन आयोटा अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारा फाइनल आंसर होगा चलो हम हमें टिकसन लिख लेते हैं जीरो से टू पाई टू पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा इक्व टू टू पाई अपॉन अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये होगा हमारा आंसर तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को तुम दोबारा करो है ना और ये वाला चीज़ ध्यान में रखना कि अल्फा वाला ही पोल इन द सर्किल होगा इन द यूनिट सर्किल होगा और तुमको जेड को टीटा माना है ये तुम याद रख लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अच्छा क्वेश्चन है जैम की क्वेश्चन जैम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर फार्मूला बेस्ड तो डायरेक्ट तुमको ए और बी की वैल्यू रखनी है इस फार्मूले में तुम ये फार्मूला भी याद रख सकते हो जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो तुमको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे कि मान लो क्वेश्चन आएगा जो पिछले एग्जाम में आ भी रखा है ऐसा क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन करो जीरो टू पाई डी थीटा अपॉन फाइव प्लस फोर कॉस थीटा तो ये आएगा अब तुमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो तुम डायरेक्ट कर दोगे क्या जो हमने पता है ऊपर आंसर ऊपर फार्मूला लिख ही रहा है टू पाई अपॉन अंडर उड एक् माइनस बीस ए की वैल्यू है फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस फोर सिक्सटीन तो ये क्या हो जाएगा आंसर टू पाई बाई थ्री ना तो ये हो जाएगा डायरेक्ट आंसर तो तुम ऐसे भी कर सकते हो तो बस तो यही था और और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तो तुम प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस और हम अगली वीडियो में करेंगे इं इंटीग्रल्स जिसमें जो लिमिट्स होती है वो माइनस इन्फिनेटिव टू द तो तो प्लस इन्फिनेटिव होती हैं तो वाले क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं बट सिंपल होते हैं तो हम अगले वीडियो में वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो। ओके गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर